हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ काजल। सो गाइस, प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा है एंड गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस। तो मेरी ना थ्रेडिंग गाइस मैंने कहीं और से लास्ट टाइम जो है बनवा लिया था, तो थ्रेडिंग ना बिगड़ गई थी गाइस, शेप बिगड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ उस शेप को मेनटेन करने के लिए। गाइस मैंने पूरे एक महीने जो है गैप दिया, इसकी ग्रोथ आने दी सही से। एंड गाइस थ्रेडिंग के साथ साथ मेरे अपर लिप्स और फोरहेड भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब नहीं रुका जाएगा, अब तो बनवाना ही पड़ेगा आईब्रो एंड अपर लिप्स थ्रेडिंग। तो गाइस मैंने जो है डिसाइड कर लिया था सुबह ही कि भाई आज तो कैसे भी करके जो है मुझे थ्रेडिंग बनवानी है। तो पहले से तो मन में आया कि चलो साउथ एक्स में चले जाते हैं, बनवा लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, कहीं और से बनवाऊंगी फिर से वही वाले इशू आ जाएंगे कि मेरी थ्रेडिंग की शेप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग ना अटपटी सी है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि चलो नजफगढ़ चले जाते हैं। आज मेट्रो में जो है इतनी ज़्यादा भीड़, खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ा। फिर मैं पहुँची गाइस नजफगढ़ में हॉलीवुड कट है, यहाँ से मैं जो है बनवाती रहती हूँ आईब्रो। तो ये मेरी मेनटेन करके रखते हैं आईब्रो को, शेप भी अच्छी देते हैं गाइस, यही जो है मेरी आईब्रो की इज्जत बचा के रखे हुए हैं। तो गाइस फाइनली जो है थ्रेडिंग बनवा दिया मैंने एंड फोरहेड और अपर लिप्स भी करवा लिया। तो एक महीने के गैप के बाद गाइस ये फिर से शेप में आ पाई। सो दिस इज ऑल अबाउट माय आईब्रो स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।